नमस्कार नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूँ मंदार फंसे। फेसबुक पर बीजेपी नेता पर संगीन आरोप लगाने के बाद से यूपी के शाहजहांपुर की एक छात्रा 5 दिनों से लापता है। उसका परिवार पुलिस और यूपी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, पर अब तक पुलिस लड़की का पता नहीं लगा पाई है। क्या यूपी पुलिस इस मामले की जांच में ढिलाई बरत रही है? क्योंकि मामले में आरोपी चिन्मयानंद एक वरिष्ठ बीजेपी नेता है। क्या सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के कद ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं? इन सवालों के जवाब लेने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की एक लॉ छात्रा को लापता हुए आज 5 दिन हो गए हैं, पर अब तक ना ही आरोपी बीजेपी नेता से पूछताछ की गई है और ना ही लड़की का पता लगाया गया है। कार्रवाई के नाम पर यूपी पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था, जिसमें लड़की के दिल्ली में दिखने का दावा किया गया था, पर पुलिस ये नहीं कह पाई थी कि ये वीडियो में दिखने वाली लापता लड़की है या नहीं। अखबार में आप अखबार जुड़े हुए हैं तो कुछ तो बता दीजिए महाराज जी के बारे में। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, फिर भी आप बात नहीं मानते हैं। फिर मुझे कुछ नहीं कहना, कैसे कुछ भी नहीं कहना, कैसे आप परेशान मत हो। मीडिया के सवालों से बचकर निकलते ये हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके चिन्मयानंद। इन पर ही लापता हुई छात्रा ने रेप, यौन पीड़न और धमकाने का आरोप लगाया था, पर चिन्मयानंद अब पुलिस की जांच के दायरे से बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। मामले में यूपी पुलिस के रवैये पर लापता लड़की के पिता भी सवाल उठा चुके हैं। पिता के मुताबिक FIR दर्ज करने के अलावा प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। FIR ही दर्ज हुई है, रिपोर्ट ही दर्ज हुई है, बाकी किसी प्रकार को सहायता नहीं मिली है। और दो सुरक्षा गार्ड वो सिपाही जो है हमारे घर पर लगाए गए हैं। कप्तान जी, कप्तान साहब कल कह रहे थे मैं सुरक्षा गार्ड भेज रहा हूँ, तो सुरक्षा गार्ड तो लगाए गए हैं नीचे। तो नेशन नाउ में आज सवाल यूपी पुलिस से, यूपी में बीजेपी सरकार से, लापता हुई छात्रा का अब तक पता क्यों नहीं लग पाया है? क्यों यूपी पुलिस आरोपी बीजेपी नेता से पूछताछ करने में कतरा रही है? क्या आरोपी का सत्तारूढ़ पार्टी से होना जांच में रोड़े का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितु रावत जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता है, सीपाल सिंह फॉर्मर IGP रहे हैं पंजाब के, और योगिता बयाना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले योगिता जी आपको सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार योगिता बयाना से हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन सीपाल सिंह जी आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मामला जिस तरह से उभरता दिख रहा है, जिस तरह से सामने आया है, इस लड़की ने इसके पहले जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हुए हैं और ये बड़े बीजेपी के नेता है, ऐसे हाल में क्या होना चाहिए था? पुलिस ने किस तरह से बर्ताव दिखाना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि पुलिस जिस तरह से अब तलाश में इस लड़की के साथ साथ पुलिस ने जिनके ऊपर आरोप लगाया है वो चिन्मयानंद जो है उनको भी जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए थी? देखिए, जहां तक आप देखिए, आपने सारा केस को जरा माइन्यूटली समझने की कोशिश करिए। इसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं स्वामी जी के ऊपर। एलिगेशन लगने के एक दिन के बाद या दो दिन के बाद लड़की वहां से कहते हैं गायब हो गई है। गायब हो गई है तो उसके कोई उनको सुराग नहीं मिल रहा पुलिस को, क्योंकि 25 अगस्त के बाद या 26 अगस्त के बाद उसने कोई बातचीत ही नहीं की, कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड उनको नहीं मिला। ऑल ऑफ ए सडन उनको कॉल डाटा रिकॉर्ड मिल गया और उन कॉल डाटा रिकॉर्ड से उन्होंने ट्रेस आउट कर लिया कि ये द्वारका में है। बड़ी अजीबो गरीब बात है कि एक लड़की जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस तो दर्ज नहीं किया, जिसने एलिगेशन ली और उस एलिगेशन के ऊपर वहाँ की पुलिस ने 364 के अंदर अबडक्शन का और लाइकली डिस्ट्रक्शन ऑफ और लाइकली मर्डर ऑफ द गर्ल का चार्ज लगा के 364 के अंदर दर्ज किया है केस। और 364 के अंदर केस दर्ज होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी। उस वक्त भी कह दिया वो कॉन्स्पिरेसी है,
तो थोड़ी सी बात अजीबो गरीब है, समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। उसके बाद कोर्ट का केस देखिए, कोर्ट ने इनको बर्खास्त करने से रिफ्यूज किया कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। वहां की जो पार्टी है जिसको ये बिलोंग करते हैं वो कोर्ट में गए कि 364 का केस इससे विड्रॉ कर लिया जाए, रेप का केस विड्रॉ कर लिया जाए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, हम विड्रॉ नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम अवेलेबल वारंट दे देते हैं जी। अब देखिए कोर्ट ने भी ये दे दिया। इसमें तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो स्वामी जी हैं ये अपने आप को एक स्टेटमेंट में कंपेयर करते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी को नीचा दिखाने की, बीजेपी के लीडरों को नीचा दिखाने की, और अपने आप को कंपेयर करते हैं कुलदीप सिंह सेनेगर के साथ जिसके ऊपर मर्डर का केस है और एक्सेप्ट हो चुका है, और जिसको बीजेपी ने बड़ी स्ट्रांगली एक्शन लेकर उसको डिस्चार्ज अपनी पार्टी से निकाल दिया है। तो ये स्वामी जी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया उस तरह मेरे पे भी गलत इल्जाम लगाया। भाई उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया होता तो बीजेपी आज तक उसको भी सस्पेंड ना कर देती, निकाल ना देती। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साफ साबित करती हैं कि ये स्वामी जी और इनका ग्रुप अब इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में देखना पड़ेगा कि इस किस्म के अक्यूज को कहां तक लिबर्टी देनी चाहिए, क्यों नहीं अंदर किया जा सकता, क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। 364 का केस है जिसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि इसको गोल मोल गाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोल मोल बात करने से अल्टीमेटली कोर्ट विल टेक इट्स ड्यू कोर्स। ठीक, सीपाल सिंह जी एक और बार और पुलिस का तल्लक है। एक बार और अगर आप रीएम्फसाइज कर दे हमारे दर्शकों के लिए, 364 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, ये किस तरह का सेक्शन है, क्या ये बेलेबल ऑफेंस है, क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? ये देखिए ये 364 का जो केस है इसकी सजा 10 साल तक होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और उसके साथ साथ इस केस में जिसके ऊपर ये एलिगेशन हो तो उसने जो विक्टिम है या लाइकली विक्टिम है उसको अबडक्ट कर दिया और उसको अल्टीमेटली या उसको गुम करने का या उसको मार देने का इरादा हो, इस इरादे के अंदर 364 का केस दर्ज किया जाता है। और इस केस के खिलाफ वहाँ की पार्टी जो है इनके सपोर्ट करने वाली वो कोर्ट में जाती है कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल गलत प्रयान है, इसको फंसाया जा रहा है, इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, ये है वो। ये बताइए कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है कुलदीप सिंह सेना के साथ में जी, ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है इस केस के अंदर? नहीं, इन दिस केस देयर आर टू थिंग्स। इस केस के अंदर अगर तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, एज फार एज बेलेबल इज कंसर्न्ड, बेलेबल आल्सो कैन बी डन एट ए टाइम बाय द पुलिस, बट इन दिस केस कोर्ट की कॉग्निशंस देने पे डिपेंड करता है जी। और सेक्शन 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, खासकर उत्तर प्रदेश में बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये जो भी बेलेबल अनबेलेबल वारंट्स होते हैं दे आर ओनली कन्फाइंड व्हेन वी टॉक ऑफ द पुलिस कस्टडी, कि पुलिस उनको बेलेबल वारंट में तो एकदम आप ही बेल दे सकती है, अनबेलेबल में आप ही दे सकती है। जब कोर्ट उसकी कॉग्निशंस लेती है तो कोर्ट की अपनी कॉग्निशंस डिपेंड करता है कि इसको बेल करना है या नहीं करना। जब आप बेलेबल और अनबेलेबल करते हैं तो वो पुलिस में होता है जी। जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस ने एक तरह से अनदेखी की है, ऋतु रावत आपको क्या लगता है ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से चिन्मयानंद जो है वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश है, इसमें साजिश क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के बारे में अब कोई भी बात सामने आती है उस पर ठीक से छानबीन हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो स्वामी जी हो चाहे कोई नेता हो, और भाजपा सरकार हमेशा इन चीजों को ध्यान देती है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अब इनका भाजपा से कोई इतना लेना देना नहीं है। ठीक है भाजपा में गृह मंत्री भी रह चुके थे, एक बड़ी पोस्ट पे रह चुके थे, लेकिन आज
अगर उन पे इल्जाम लगाया है और इसीलिए क्या कहते हैं उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई है और उन पे छानबीन भी चल रही है और अगर ये दोषी होंगे नहीं, तो नेचुरल बात है कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलेगी। ऋतु रावत बताए जरा कि क्या छानबीन चल रही है, क्या इन्हें क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है? नहीं, भले ही नहीं बुलाया गया हो, मेरे को अभी इतना नहीं पता है कि इनको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। आपने कहा छानबीन हो रही है, तो बताइए क्या छानबीन हो रही है? लेकिन ये पक्की नहीं, हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि उनकी कंप्लेन लिखी है, उस लड़की को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अगर जैसे ही मिलेगी, अगर ये दोषी होंगे तो नेचुरल बात है कि इस देश में महिलाओं को ऋतु रावत माफ कीजिए, योगिता बयाना को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। मंदार, ऋतु रावत का कहना है कि यहाँ पर लड़की को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब कल जो है, कल शाम की बात है कि पुलिस ने बताया हमें कि देखिए, पुलिस ने एक वीडियो रिलीज किया जो पुलिस ने खुद कहा कि ये वीडियो अनवेरिफाइड है, और पुलिस का कहना था कि वीडियो में सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में लड़की साफ नजर आ रही है और वो महिपालपुर में किसी होटल में है। अगर ऐसा है, अगर पुलिस इतना कुछ जानती है योगिता बयाना, तो लड़की को ढूंढ निकालने में कितना वक्त लगना चाहिए पुलिस को? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यही किसी नेता का या राजनेता का कोई पक्षी या जानवर भी गुम हो जाता तो ये विद इन फ्यू आवर्स ये ढूंढ के ले आते। मुझे 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 सिर्फ इतना बताना, आज के जमाने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, सैटेलाइट की बात करते हैं या चांद पे जाने की बात करते हैं, पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो ढूंढना चाहे तो। मुझे तो यहाँ पूरे की पूरी दाल काली दिख रही है कि ये ढूंढना नहीं चाह रहे। जब इन्होंने यहाँ तक पता चला लिया कि वो महिपालपुर में है किसी होटल में और लास्ट कॉल कब था, उसको ढूंढ के लाने में कितनी देर लगती है? इंटिमिडेशन का केस है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस चिन्मय नंद को बुलाया जाए, क्योंकि वो कुछ भी रहे हो पर कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। और आज की डेट में कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला ने कंप्लेंट किया तो पहले उसको कंप्लेंट को रजिस्टर किया और छानबीन बाद में करें, और पहले वो उस इंसान को जाँच के दायरे में लाना चाहिए। ये उल्टा जो कानून है ये सिर्फ राजनेताओं के लिए है, जहाँ पे पहले छानबीन होगी, हुआ ना था, नहीं हुआ था, फिर उनको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि एज पर द न्यू लॉ पहले तो उनको लाना चाहिए, कस्टडी में रखना चाहिए, उसके बाद छानबीन करनी चाहिए। अगर वो नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो उनको छोड़ देना चाहिए। पर ये कैसे कानून चला रहे अपने हिसाब से, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक इन्होंने चिन्मयानंद को क्यों नहीं जांच के लिए बुलाया, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने अभी तक लड़की को ढूंढ के क्यों नहीं लेकर आया। इसमें पूरा का पूरा गड़बड़ मामला है, और मैं बार बार मेरा संदेह और मेरे मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं ये इसी तरह सेंगर और वो कुलदीप सेंगर वाला और उन्नाव वाला केस ना हो जाए। मुझे बहुत गंभीर उसमें लगता है कि हमें इस चीज के ऊपर इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। हम थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू मिरर नाउ, थैंक्स टू ऑल द चैनल जो इसको उठा रहे हैं, नहीं तो इस केस को पूरी तरह से दबाने की तैयारी में ये लोग बैठे थे। और अभी भी उस बच्चे की जान को खतरा है, और जल्द से जल्द मुझे लगता है इसको ढूंढ के लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है सेंटर को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंटिमिडेट किया जा रहा है और कि जिस तरह से पुलिस इसमें मिली है, और बहुत ही खतरे की बात है मुझे ऋतु रावत, आपको सीधे सवाल है, जिस तरह से दोहरी भूमिका होनी चाहिए, पुलिस जिस तरह से अब काम कर रही है, लगता है कि पुलिस चिन्मयानंद जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाना अब तक नहीं चाह रही है। उनको तो आसानी से बुलाया जा सकता था, वो तो जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे भी है वो तो पुलिस को पता भी है। तो ऐसे हाल में चिन्मयानंद को अभी तक पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है, उनका बयान लेने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है? और उसके बावजूद भी जिस तरह से उनके ऊपर आरोप है, क्या वो आरोप के दायरे में होते हुए भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? ये सभी जो बातें हो रही है पुलिस की तरफ से, आपको नहीं लगता है कि पुलिस लचर तरीके से सामने आ रही है? देखिए, पहले तो सबसे पहले बात, हमें पुलिस पे विश्वास करना चाहिए, हमें शासन और प्रशासन पे भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि लड़की का पता लगने के बाद उस सारी आपने विश्वास के लायक छोड़ा क्या है? आपने उन्नाव की व्यक्ति क्यों नहीं विश्वास करेंगे मैम? आप देखिए, आपने उन्नाव वाली बात करी, आपने उन्नाव वाली बात पुलिस पे, हाँ मैं बिल्कुल देखिए, पार्टी ने विकसित किया गया था, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? विश्वास होना चाहिए। ऋतु रावत, योगिता बयाना, एक सेकेंड, ऋतु रावत, योगिता बयाना, दोनों शांत हो जाइए। ऋतु रावत, योगिता बयाना, हमारे चैनल में जो चर्चा होता है, यहाँ पर चर्चा होता है, शोर ना मचाइए, सवालों का जवाब दीजिए।
सीपाल सिंह जी ये बताए कि अगर कोई लड़की, एक सेकेंड सीपाल सिंह जी, अगर कोई लड़की या अगर कोई लड़की के परिवार वाले कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन 3 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, ऐसे पुलिस क्या विश्वास के लायक है? देखिए, पुलिस के विश्वास लायक है यानी ये तो आपके उसे वक्ता ने बता दिया है, जिसमें पुलिस के ऊपर विश्वास बिल्कुल उठ जाता है। उन्नाव केस हुआ पिछले दिनों में, एक और 2.5 साल की लड़की है, उसको दबा दिया गया, उसके हाथ पैर कट गए, उसकी आंखों को गाउज कर लिया गया। तो विश्वास की बात तो छोड़िए, इस केस की ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करिए। इस केस में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट यह है कि केस उन्होंने दर्ज किया स्वामी जी के खिलाफ और ये कहा गया कि लड़की मिसिंग है। बाद में लड़की मिसिंग है, अब ये कहा गया कि जहाँ से उन्होंने पता किया CDR से, कॉल डाटा रिकॉर्ड से, वो लड़की और एक लड़का उसके साथ द्वारका महिपालपुर के एक होटल में थे और उस होटल में उन्होंने जाके एक आधार कार्ड की रेफरेंस भी देखी, जिस आधार कार्ड में उस लड़के का जायजा दिया हुआ है कहाँ का है। मुझे ये बताइए, ये सब कुछ होने के बाद क्या लड़की को ढूंढना डिफिकल्ट है? पहले ही ढूंढना चाहिए था। अगर CDR रिकॉर्ड अब देखिए तो CDR रिकॉर्ड पहले टेलीफोन बंद कर दिया था, अब खोला है। ये चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा शक पैदा करते हैं। अब वो 25 से 24 से नहीं मिल रही, आज आप कहते हैं कि उसका CDR रिकॉर्ड के देखा है तो हमें मिल गई है, अभी जगह मिल गई है। अब जगह मिल गई है, आधार कार्ड मिल गया, लेकिन लड़की अभी तक नहीं मिली। दूसरी बात, इसमें यह कहा गया है कि स्वामी जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, मेरे से 5 करोड़ रुपया मांगा गया। अरे भैया, आप किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो, आपको देने के लिए लड़की 5 करोड़ कोई मांगेगा? कोई मतलब हास्यहीन सी बात है। वो कहता है कि मेरे से 5 करोड़ मांगा गया कि मैं लड़की को वापस कर दूंगा जी। आप देखिए, अक्यूज से 5 करोड़ मांगा गया, अभी ये स्टोरी ठीक नहीं बनती। तो मेरा कहने का, विश्वास की बात तो छोड़िए, इसमें कहीं ना कहीं जरूर ढील और हेरा फेरी का होता है। पुलिस ने पहले बिल्कुल केस दर्ज हो गया है, दर्ज होने के बाद आज तक स्वामी जी की क्यों इंटेरोगेशन नहीं की गई? एग्जैक्टली, अवेलेबल वारंट का मतलब ये थोड़ी कि आप पकड़ के ला नहीं सकते, यू आर नॉट कीपिंग अंडर पुलिस कस्टडी। पुलिस में लाइए, सुबह छोड़ से लेकर शाम को छोड़ दीजिए। पुलिस कस्टडी के लिए 24 आवर्स तो आप वैसे ही रख सकते हैं। चलो अवेलेबल वारंट थे तो आपने नहीं एक्सिक्यूट किया, बेल पे रहे, लेकिन आपकी इंटेरोगेशन किसने मना कर दिया आपको? जी बिल्कुल, इट इज ओनली दैट यू आर नॉट टू अरेस्ट। हु हैज स्टॉप्ड यू टू डू इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ स्वामी जी? Why you never investigated Swami ji so far? Why you investigated other people who have also said that we are also number of students have been sexually harassed by this man? Ji. Why the interrogation or investigation should not be conducted for the student? So there is a lackadaisical approach. बहुत ढीला ढाला अप्रोच हो रहा है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं जी, बिल्कुल। बुलंद शहर में इंसिडेंट हो गया। सिपाल जी, आप जो कह रहे हैं, आपने जिस तरह से कहा ये पूरी जो विस्तार से आप बात बताई है, योगिता जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से अगर डिले किया जाता है केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरा खराब हो जाता है? जितना वक्त मिलता है फिर ऐसे आरोपों के में घिरे हुए जो लोग हैं उनको, वो जिस तरह से कहानियां सामने आ रही है इसमें लगातार एक के बाद एक नई कहानी सामने दिखाई दे रही है, तो आपको ये नहीं लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का इस तरह का डिले होना, चिन्मयानंद जो है उनको इंटरोगेशन के लिए तक नहीं बुलाना, ये सब जो बात है वो पुलिस के पूरी भूमिका पर संशय बिल्कुल पैदा करता है? वही होगा जी, जो पहले पीछे सिपाल सिंह जी, सवाल योगिता बयाना को किया हुआ है, योगिता जी बात कीजिए। अच्छा जी, मुझे सबसे ज्यादा इस समय जो चिंता है वो ये इन्वेस्टिगेशन खराब होगी, वो तो काफी केसेस में हमें पता होती है, पर जो इस समय चिंता का विषय है उस बच्ची की जान है। क्योंकि मैं अगर थोड़े महीने पहले भी अगर हम इस ऐसे कोई केस को डिस्कस करते तो मैं मन में मान लेती कि शायद वो बच्ची बच जाएगी, बट जब से ये उन्नाव का केस हुआ और जब से वो लड़की के ऊपर बस चढ़ाई है इन लोगों ने, मुझे somehow मेरे उम्मीदें जो हैं वो नेगेटिव हो गई हैं, और या आप जो भी कह सकते हैं, सच्चाई सामने आ रही है कि
कि यूपी में किस तरह से अंधा कानून है, मुझे ये क्यों बार बार बस एक ही प्रायोरिटी मेरे दिमाग में आ रही है कि वो बच्ची जहाँ पे भी हो सही हो, पहले उसको बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी, उसको ढूंढ के लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी। इन्वेस्टिगेशन में तो डेफिनेटली जहाँ पुलिस ही मिली हुई है वहाँ इन्वेस्टिगेशन तो पूरी खराब हो चुकी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है अभी तक, और जब वो मिलेगी भी तब तक इन्होंने पूरा बॉशटअप कर दिया होगा केस। बट क्या कर सकते हैं हम, ऐसे स्टेट है यूपी, यहाँ पे मुझे लगता है जहाँ सीनियर लीडर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ खुद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, योगी जी या हमारे प्राइम मिनिस्टर को खुद ऐसे चीज़ों में इंटरफेयर करना पड़ेगा। अभी वो समय आ गया है जहाँ पे उनको खुद बोलना पड़ेगा कि ये किस तरह का आंधा कानून है, किस तरह से वो पुल अप करेंगे, और सबसे पहले एज आई सेड कि सबसे पहले उस बच्ची को लाना है सामने और कि वो सुरक्षित है और वो ठीक है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ इन दिनों में, वो जरूरी है सबसे ज्यादा। जी ऋतु रावत, और एक चीज आपसे पूछनी है, एफआईआर में ये लिखा गया है कि लड़की का जो हॉस्टल रूम है, कॉलेज में जो हॉस्टल रूम है उस पर ताला लगा हुआ है, और एफआईआर में यहाँ पर उसके उसके परिवार वालों ने जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया उनका डर है, उन्हें डर है कि वो रूम के अंदर कमरे के अंदर अगर कोई एविडेंस है उसको खराब किया जा सकता है। क्या इस हॉस्टल के कमरे के अंदर छानबीन हुई है, वहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या उसे सील करने का यहाँ पर काम पुलिस ने किया है? मुझे हॉस्टल के अंदर का नहीं है, लेकिन नेचुरल बात सही बात है कि हॉस्टल के कमरे की छानबीन जरूर होनी चाहिए और पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि लड़की को वाकई ये बात जरूरी है कि उसको ढूंढ के लाना पहला हमारा मोटिव है, क्योंकि अगर हम उसको ढूंढ के नहीं लाएंगे तो हमें सही सिचुएशन पता नहीं चलेगी कि क्या हुआ है और कौन लोग इसके पीछे हैं, और जो भी इसके पीछे चाहे स्वामी जी हों चाहे कोई भी हो जो भी हो उनको सामने एकदम से लाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की बात है, और इस तरह के अगर एक हादसा होता है तो 10 हादसे और खड़े रहते हैं सरकार में, तो सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और नेचुरल बात है उनके कमरे में जाना चाहिए, उनकी छानबीन करनी चाहिए, नेचुरल बात है उनके मोबाइल की भी लोकेशन। ऋतु रावत जी बिल्कुल मैं नहीं, सरकार हमारी है बिल्कुल, लेकिन मैं ये बात एक महिला होने के नाते भी कह रही हूँ कि ये सब चीजें छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसे सरकार और पुलिस कभी कभी सोचती है कि शायद ऐसा नहीं है कि वो उस पर कार्रवाई नहीं करती है, कभी कभी कार्रवाई भी करती है और कभी कभी अनदेखा भी करती है कि लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी, यानी आप मानते हैं कि अनदेखा हुआ है ऋतु रावत, योगी सरकार ऋतु रावत एक सेकंड, आप मानते हैं कि यह अनदेखा हुआ है? देखिए अगर बिल्कुल अगर कमरे की छानबीन नहीं हुई है तो बिल्कुल अनदेखा हो, नहीं मैंने कहा ना, मैंने आपकी बात पे कहा मुझे नहीं पता था उसके कमरे की छानबीन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर नहीं की गई है तो बहुत बड़ा अनदेखा है, क्योंकि उस कमरे में क्या चीजें हैं, क्या उस छानबीन से हमें मिल सकता था और किस चीज से हमें मदद मिल सकती थी, तो ये सारी चीजें जो बहुत जरूरी है जो करनी चाहिए, ये तो आम इंसान ऋतु रावत, ऋतु रावत किसी के खिलाफ चीजों की जरूरत, यहाँ पर लड़की ने कंप्लेंट में लड़की ने अपने वीडियो में और लड़की के परिवार वालों ने यहाँ आरोप लगाया है चिन्मयानंद पर, क्या आपको लगता है कि चिन्मयानंद को की क्वेश्चनिंग से पूछताछ नहीं करके पुलिस ने अनदेखा किया है? बिल्कुल अगर नहीं किए उनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे अगर हम किसी के लिए कंप्लेन करते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले जाके उसकी छानबीन करें और उनसे पूछताछ करें कि आप पर इल्जाम है, क्योंकि एक अगर छोटे से आदमी पे भी इल्जाम होता है तो पुलिस उसके घर आ जाती है उससे कार्रवाई करती है, तो फिर एक बड़े चाहे वो नेता पूर्व नेता हो चाहे वो आज के नेता हो चाहे कोई बड़ा मंत्री हो शंत्री हो सब पे कार्रवाई करने का अधिकार तो, और एक जो कार्रवाई करते वो सब पे नेचुरल सी बात है कि सबके लिए एक बराबर होती है। जी योगिता बहना, जैसे कि आपने बताया कि सबसे अब प्राथमिकता जो होनी चाहिए इस लड़की को ढूंढने की प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि पुलिस लगातार एक के बाद एक थियरीज दे रही है, इसमें एक तरह से ऐसा होता भी है, एक कहानी ऐसी सामने लेके आती आई जाती है हर केस में कि वो पुलिस वो जो लड़की है उसकी प्रतिमा को भी थोड़ा ठेच पहुंचाने की कोशिश की जाती है, वो लड़की किसी एक लड़के के साथ रह रही है उसके उसी के होटल में वहीं पे वो थी पाया गया, ये सब जो बातें सामने आती है वो सामने जब आती है तो फिर पुलिस को ये दोनों या तो लड़का या लड़की साथ में अगर है तो वो मिल क्यों नहीं पा रहे? जी डेफिनेटली ये र्यूमर्स भी हो सकते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब क्योंकि मैं इन केसेस में डील करती हूँ तो व्हेनेवर वी गो टू पुलिस स्टेशन सबसे पहले यही बोल दिया जाता है कि
इनके साथ गई होगी या उनके साथ. सो दैट्स द वेरी बेसिक थिंग. इससे ज़्यादा उम्मीद भी हम पुलिस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई भी तथ्य होता, अगर वो है भी किसी पुरुष के साथ, वो पुरुष कौन है, क्या वो इनके द्वारा भेजे हुआ कोई शख्स है जो जो प्रेशर में रखा हुआ है, क्योंकि वो है छोटी सी बच्ची. और मुझे लगता है कि क्योंकि जो वीडियो बच्चे ने बनाया है वो आप देख सकते हैं उसमें किस तरह से उसको किस तरह से उसकी भावनाएं निकल कर आ रही हैं. और अगर कोई है भी तो उसमें क्या है उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज वो एक पुरुष के साथ देखी गई है, उसको किसी तरह से ये लोग डाइवर्ट करने के, अटेंशन को डाइवर्ट करने की इनकी कोशिश रहती है पुलिस वालों की. ये वैसे भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इनको बताना ही नहीं चाहिए. तो अगर इन्होंने बताया तो मुझे उस पर भी संदेह है, क्योंकि जब तक कि उसको आप ढूंढ के नहीं लाते हैं, ये सारी बातें लीक वैसे भी नहीं करना चाहिए कि महिपालपुर में थी या किसी पुरुष के साथ ही. तो मुझे लगता है, मुझे पूरा पूरा पुलिस पे संदेह है. ये भी एक डिस्ट्रैक्ट करने का उनका एक तरीका है, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन बहुत संवेदनशील होती है, इनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. और इसके डेफिनेटली इस पर बहुत कुछ इसके अराउंड हो सकता है. और बस जैसा कि मैंने बोला कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आज की डेट में टेक्नोलॉजी में अगर पुलिस चाहे तो एक जानवर, जो नेताओं के जानवर भी गुम जाते हैं, उनको भी एक घंटे में ढूंढ के ले आती हैं. तो मुझे लगता है कि एक लड़की को ढूंढना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो चाहें तो. तो मुझे इसीलिए बार बार मैं थैंक्स किए बिना नहीं रुक रही हूँ मीडिया का, क्योंकि अगर मीडिया ने नहीं उठाया होता, आपके चैनल ने नहीं उठाया, तो ये बिल्कुल ही दब जाता मामला. तो बार बार इसी मुद्दे पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हमें जो दबाव बनाने की ज़रूरत है पुलिस पे, वो की ढूंढ के लाने हैं और वो सुरक्षित लेकर आना है. जी सीपाल सिंह जी, जैसे आपने सुना, ऋतु रावत ने खुद यहाँ माना कि अगर पुलिस ने कमरे की छानबीन नहीं की है, अगर पुलिस ने पूछताछ चिन्मयानंद के साथ पूछताछ नहीं की है, तो ये पुलिस का अनदेखा है. सीपाल सिंह जी, बताइए ऋतु रावत को कि पुलिस को आइडियली नियम के मुताबिक पुलिस को यहां पर क्या करना चाहिए था. देखिए, यहां तक आइडियल इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, वो तो हुई नहीं है. ये बात तो आप समझिए, आइडियल इन्वेस्टिगेशन सबसे बात है कि नेम्ड अक्यूज है, नेम्ड अक्यूज को आप लाए क्यों नहीं आज तक, आप पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लाए उसको, उससे छानबीन क्यों नहीं की गई. अगर इनसे पूछा जाएगा कल को पुलिस वालों से कि वो दरवाज़ा बंद किया है, तो वो कहेंगे शायद हमने करवाया है ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए. उसका जवाब वो दे देंगे कि हमने दरवाज़ा इसलिए बंद करवाया था कि अंदर एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाए. ओके, बट इन दिस केस शाहजहानपुर पुलिस के तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिए. उनके पास इस केस के रेप केस, उन्होंने कहा कि रेप का केस, इसमें से रेप का चार्ज विदड्रॉ किया जाए. किसने कहा है? गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट पार्टी ऑफ द डे, उनको कैसे मालूम हो गया कि रेप नहीं हुआ? लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद देखे रेप का केस है या नहीं. वो जाते हैं सीजीएम कोर्ट में, बयान दिया गया है कि इसके खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ रेप का केस विदड्रॉ कर लिया जाए. वाई? सीजीएम ने रिजेक्ट किया कि नहीं, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं उसके वारंट अवेलेबल कर देता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि इस केस को इसी में इमीडिएटली इससे चार्ज को निकाल दूं. एक बात, क्या इससे साबित नहीं होता कि इसके साथ, इसके हथियार, इसकी फेवर में कौन सी पार्टी, कौन सी गवर्नमेंट जा रही है जो जाके कहती है कि विड्रॉ कर लिया जाए केस. जी. फिर ये साहब कहते हैं कि हमारे खास वासे ही केस हो रहा है, योगी जी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है. अरे भैया, आप जिसके साथ इक्वेट कर रहे हो उसको तो बीजेपी ने बाहर निकाल दिया है. कुलदीप सिंह सिंगार के साथ आप अपने आप को इक्वेट कर रहे हो. आप करिए, फिर आप भी फेस करिए, उस कत्ल का केस है, आपके पास फेस करिए आकर. मतलब ये सारा चीज जो है इम्पार्शल, जो आपने इम्पार्शल ये होना चाहिए था. सबसे पहली बात, अक्यूज नेम्ड है, उसको पुलिस स्टेशन में लाना चाहिए था, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होते. 24 घंटे तो आप पुलिस के कस्टडी में रख सकते हैं विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर. और कोई होता है उनको 3-3 दिन 4-4 दिन रख के फिर शाबत लोग, हम लोग पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, कल ही 24 घंटे पहले हुआ. इसको तो 24 घंटे के 24 मिनट नहीं लाया गया. जी, 24 घंटे यू कीप अंडर द पुलिस कस्टडी एंड देन टेक टू द कोर्ट. ही इज अक्यूज इन दिस सच एंड सच केस, आप गिव ऑर्डर व्हाट द कोर्ट वांट्स टू गिव. ऋतु रावत, मांगो हमें इसकी पुलिस कस्टडी और चाहिए, हमें 3 दिन और पुलिस कस्टडी चाहिए इसको इंटेरोगेट, ताकि एक डर पैदा हो जाए कि पुलिस कस्टडी से डरता है आदमी कि पुलिस कस्टडी में क्या करेंगे. तो कहता है जी हमें और 3 दिन कस्टडी चाहिए पुलिस की, हम इसकी इंटेरोगेशन करना चाहते हैं. कुछ हुआ ही नहीं, उसको लाया ही नहीं गया, कोई कस्टडी में नहीं रखा गया, कोई 24 घंटे का नहीं हुआ. फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया कि जी वो तो लड़की दौड़ गई है. फिर आप ये जो दूसरी बात, जैसे योगता जी ने कहा
थोड़ी कमी है। ऋतु रावत ये बताइए, आपने सुन लिया सीपाल सिंह जैसे बता रहे थे कि आइडियल इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए, क्या आपकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि ठीक तरीके से नियम कानून के तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उस लड़की को ढूंढ कर वापस लाया जाएगा? देखिए बिल्कुल, सरकार अगर सत्ता में होती है तो उसका ये फर्ज होता है कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसे तुरंत उस पर कार्रवाई करनी होती है। और मुझे लगता है कि योगी सरकार कम से कम इस बात के लिए जानी जाती है कि वो अगर कोई भी चीज़ ऐसी सामने दिखाई देती है तो उस पर कार्रवाई जरूर करती है, और ऐसा नहीं है कि वो जो दोषी होते हैं उनको बख्शती है तो वो उनको छोड़ती भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सरकार नहीं जानती है। सरकार बिल्कुल, जब कंप्लेन हुई है, सब कुछ हुई है, तो सरकार इस पे अपनी कार्रवाई जरूर करेगी, मुझे विश्वास है। और थोड़े दिन बाद आपके चैनल पर रेप के आरोप है, लेकिन नेचुरल बात यह है कि लड़की जो आरोप है वो कम करने की क्यों बात हो रही है? और जैसे सेंगर के बारे में आपने किया था, जरूर छानबीन करनी चाहिए, उनसे जेल भिजवा दिया, नहीं पर वही तो नहीं हो रहा है ना ऋतु जी? और जैसे सेंगर ने जेल में बैठे बैठे लड़की को मरवा दिया, सबसे अहम मुद्दा यही है कि इस केस में भी उस समय मैं भी मेरे नाव पे थी, आपके चैनल पे मैं काफी सारे डिबेट कर चुकी, क्योंकि उस समय जो एक्सीडेंट हुआ उस समय बताया गया था, मैं इसी आपके ही चैनल पे थी कि बारिश बहुत तेज थी, तो ये सारी चीजें भी थी। नहीं, इस मुद्दे पर टिकते हैं, किसी से अगर हमारा होता तो हम बैक में जरूर जाते। रितु जी, आपको एक ही सवाल है जो कि सिपाल सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से बताई थी बात, उसमें ये है कि इनके ऊपर जो रेप के आरोप लगे हुए हैं उसमें लीनियंसी क्यों चाहिए? देखिए आरोप के केस जिस पे भी लगते हैं उसकी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी एक बार रेप कर सकता है वो 10 बार भी कर सकता है, क्योंकि अगर हम उस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं और उनको सजा नहीं देंगे तो वो इस तरह के कर्म करते जाएंगे। तो हमें कम से कम सरकार को सख्ती करनी चाहिए। नहीं ऋतु जी, मैं शायद सवाल दोहरा रही हूँ, लेकिन सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है। अब लड़की सामने आई, लेकिन ये बात पक्की है कि स्वामी जी से भी अगर उन पे आरोप लगाए तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। नहीं हुआ नहीं है ना ऋतु जी, अब तक पूछताछ नहीं हो पाई है, ऐसा क्यों है? हाँ तो मैं आगे अपने भाई, देखिए मैं प्रवक्ता हूँ, मैं आगे बात करूंगी, ये केस कहाँ तक पहुंचा है, क्या है इसका आगे का प्रोसीजर, कितना आपने एक्शन लिया है और कितनी सीरियसली इस पे हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए मैं आगे बात करूंगी। जी योगिता बयान, एक अहम मुद्दा इसमें यही आता है कि जिस प्रकार से कोर्ट में भी इस तरह की दलील रखी गई है, इस तरह से बताया गया है कि रेप के जो आरोप है वो संगीन आरोप है, तो वो आरोप पहले पीछे किए जाए, हटाया जाए और बाद में इसका इंटरोगेशन हो, तो ये जो भूमिका जिस तरह से उभर कर आई है इससे साफ लगता है कि शील्डिंग किया जा रहा है, एक तरह से बचाने की कोशिश हो रही है चिन्मयानंद को, तो क्या इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो बार बार यही बात कर रही हूँ कि कानून जो है वो अलग पावरफुल लोगों के लिए अलग है और जो बाकी लोगों हैं उन नागरिकों के लिए अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इनकी जगह कोई और होता, अब तक तो एज श्रीपाल जी ने भी बोला, अब तक तो उनकी इन्होंने पुलिस कस्टडी मांग ली होती, उसको पकड़ के उनसे ले दे के उनको जो भी करना था कर चुके होते, क्योंकि इतना बड़ा नाम है और ये लोग सब पुलिस, आपको भी पता है हाउ इट वर्क्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ कानून की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग और पूरी तरह से उसको अपनी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। कम से कम लोगों का जो कानून में विश्वास है वो रखने खातिर ही अगर ये लोग अभी भी चिन्मयानंद जो इंसान है, स्वामी तो मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी, उसको अगर ले आएँ और अगर उससे इन्वेस्टिगेशन ही कर लें, चाहे वो निकले नहीं निकले, कम से कम एक आम नागरिक, मेरे जैसे नागरिक का एक हौसला बढ़ता है और हमारा विश्वास आता है सरकार के ऊपर कि हाँ ये लोग किसी को नहीं बख्शेंगे, कानून सबके लिए बराबर है, जो कि हमें बताया जाता है कानून सबके लिए बराबर है, तो उस विश्वास की खातिर ही कम से कम ये अगर उसको ले आते हैं
तो मुझे लगता है ये यही बहुत बड़ा अपने आप में एक स्टेप होगा, क्योंकि नहीं तो जिस तरह से हमारा विश्वास उठता जा रहा है और भी उठता जाएगा। जी यहाँ पर जैसे योगिता बहना कह रही कि अगर कोई एक्शन होता है तब हम आगे बढ़कर कह सकते हैं कि शायद यहाँ विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि पुलिस के नियत पर अब सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठने चाहिए। जो प्रोसीजर है, जो ड्यू प्रोसेस है, वो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी नियम के अनुसार, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। ना ही चिन्मयानंद के साथ पूछताछ हुआ है, ना ही उस हॉस्टल रूम को लॉक करने या छानबीन करने की कोशिश हुई है, वो रिपोर्ट तो नहीं हुई है बंदर। यानी साफ है जैसे आप कह रहे कि शायद यहाँ पर पुलिस की भी मिली भगत है और ये सवाल उठाना चाहिए। और बिल्कुल जो इंटरोगेशन भी है वो भी काफी धीमी गति से चल रहा है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि लड़की को और किसी और शख्स के साथ देखा गया है या पाया गया है, वो भी दावे एक तरह से एक कहानी के तौर पर सामने आते हुए दिख रहे हैं। जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और एक बड़ी खबर है। और अब नजर एक बड़ी खबर पर। आपके टीवी स्क्रीन्स पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो यूपी के बलिया जिले के एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल में बच्चे मिड डे मील के दौरान अपनी जाति के हिसाब से बैठते हैं। सामान्य और पिछड़े जाति के बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, तो वहीं दलित बच्चों को अलग बैठकर खाना पड़ता है। और केवल इतनी ही नहीं, स्कूल में सामान्य और पिछड़े जाति के बच्चे अपने घरों से अपनी प्लेट्स भी लेकर आते हैं ताकि उन्हें उस प्लेट में न खाना पड़े जिसमें दलित बच्चों को खाना परोसा जाता है। कौन बोलता है सर जी? नहीं सर जी। हाँ कौन बोलता है सर जी? बोलो क्या बोलते हैं सर जी? बैठते हैं तो वो से खेद देते हैं हम लोग के। घर का थाली है। हाँ? घर का थाली है, ये घर से ले आए हैं। क्यों? कोई भी तो रोज लाते हैं घर से? हाँ, कोई भी खा लेते हैं। तो ये थाली में क्यों नहीं खा रहे हैं? वो कोई का भी थाली में खा लेते हैं। हाँ? कोई भी खा लेते हैं थाली में। कौन कोई भी खा लेता है? वो लोग है, किसी की थाली में खा लेते हैं। कौन लोग? वो लोग हैं। हाँ बताओ। बोलो जो बोला है। बोलो कौन लोग हैं? बोलो बच्चे हैं। यहाँ अधिकांश एससी के और कुछ एसटी के और थोड़े से ओबीसी के लड़के हैं। तो बात फंसती है कि हम लोग तो लाइन लगवा लेते हैं लेकिन ये लोग कुछ, चाहे घर से संस्कार मिला हो चाहे जो भी हो, इस बात को मानने के लिए कुछ हल्का फुल्का भेदभाव रखते हैं। जो थाली उनकी थाली में खाना नहीं चाहते हैं, दलित बच्चे जो हैं उनकी थाली में खाना नहीं चाहते, वो घर से अपनी थाली स्वयं लेके आ जाते हैं और उसमें खाते हैं, अलग उनसे बैठ जाते हैं। हम लोग के लाख मना करने के बाद भी वो जैसे लाइन लगवा दिए तो कुछ देर रहेंगे, बाद में फिर हम लोग के हटते ही वहाँ से खसक जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। सुधारने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि आप सब एक समान हैं। और इस घटना को लेकर यहाँ के जो डीएम है उनका क्या कहना है, देखते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का प्रकरण मेरे संज्ञान में आप ला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कठोर कार्रवाई होगी। विद्यालय जो है वो संस्था चरित्र निर्माण के लिए है, बच्चे जब वहाँ जा रहे हैं उनका चरित्र निर्माण विद्या अर्जन है। अगर वहीं इस प्रकार के भेदभाव की बात होगी तो निश्चित रूप से चरित्र निर्माण का उद्देश्य तो विफल हो गया। तो इसकी जाँच के लिए मैं खंड शिक्षा अधिकारी को अभी तुरंत भेज रहा हूँ, वो जाएंगे और इसमें अगर तनिक भी सत्यता है तो संबंधित विद्यालय के प्रबंध तंत्र और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी, विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर खंड शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में प्रकरण था और इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसको सख्ती से इस प्रथा को हम समाप्त कराएंगे कि इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सभी बच्चे एक साथ बैठ करके खाएं। प्रथा समाप्त करने की बात हो रही है बंदार, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे जो स्कूल है, स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है?
मिड डे मील के साथ बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है? योगिता भैया ना देखिए, ये पहली बार नहीं है जबकि ये मिड डे मील या आंगनवाड़ी की मील्स के बारे में हमें पता चलता है और ये हम लगातार सुनते रहते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ये कॉमन है और तब भी उस पर सुधार नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि जिस तरह से डीएम ने बोला और अभी इन लोगों ने बोला कि हम संज्ञान लेंगे, ये प्रिवेंटिव संज्ञान क्यों नहीं होते हैं? ये तब क्यों नहीं ऑडिट करते हैं? इनके पास टीम है पूरा, उनकी सैलरीज जाती है हमारे टैक्स पेयर की मनी से, इनके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर ये क्वालिटी चेक कर सकते हैं या किस तरह से योगिता माफ कीजिए, यहाँ पर सवाल मिड डे मील के क्वालिटी को लेकर नहीं था। जो कहानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यूपी के बलिया के एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये रिपोर्ट है जहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है, जाति के हिसाब से बिठाया जा रहा है और खाना दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे घर से थालियाँ लेकर आ रहे ताकि उन्हें उस थाली में नहीं खाना पड़े जिसमें कोई दलित का बच्चा खाना खा चुका हो। जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी इससे पहले एक स्टोरी चल रहा था वो क्वालिटी को लेके, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बट जो भी देखिए, जो भी मैं अभी बता रही थी बात को, ये वही बात वहीं घूम फिर के वहीं आ जाती है कि किस तरह से जो प्रशासन है जिनके पास पूरा का पूरा एक बना हुआ सिस्टम है कि इस तरह की चीज़ें ना हो या इस तरह की भेदभाव ना हो, ये तो बहुत बेसिक है। और अभी भी अगर वो हो रहा है, इतने कड़े कानून हैं भेदभाव करने के बावजूद, भेदभाव नहीं हो, इसके विपक्ष बहुत सारे कानून हैं, अगर इस तरह से हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात डेफिनेटली है। तभी आप लोगों ने इसको इतना अच्छे से हाईलाइट भी कर रहे हैं। और अगर बच्चों में इस तरह की वैल्यू सिस्टम दे जा रही है जहाँ से कि हर चीज़ का अगर निदान है तो वो है कि बच्चों को उस चीज़ से निकाला जाए, बच्चों को शिक्षा देकर कि ऐसा कुछ नहीं होता, उससे उभरने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बच्चों के साथ ही भेदभाव अगर हो रहा है तो वो क्या समझ के बड़े होंगे और वो आगे किस तरह से उनका जीवन व्यापन करेंगे? मुझे यही सबसे ज़्यादा मतलब एक बहुत अपने आप में गंभीर मुद्दा है कि बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि बड़े लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बच्चों को तो ये मालूम भी नहीं है कि ये जाति क्या होती है। ये जहां हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन सब चीजों को दूर किया जाए बच्चों में स्पेशली, यहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं सुनकर बहुत ही पीड़ा होती है मन में। और मुझे लगता है प्रशासन को बिल्कुल ही घेरने की जरूरत है और प्रशासन पे ही कार्रवाई करके हम इस चीज पे, मुझे लगता है, इस चीज से निदान पा सकते हैं। बिल्कुल। और ऋतु रावत, जिस तरह से योगिता बहन ने इसके पहले भी कहा, लेकिन प्रशासन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है ऐसी भी चीजें अगर कहीं पे। अब आज के जमाने में हम कह रहे हैं लगातार कि न्यू इंडिया है, जिस तरह से नया भारत बन रहा है, और ऐसे हाल में इस तरह की अगर घटना घटती है और इस तरह की घटना अब आम तौर पर होती है ऐसा माना जा रहा है, तो फिर क्या कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं की जा सकती है? कोई प्रिवेंटिव प्रोग्राम आपकी सरकार के पास है वहाँ? देखिए, सबसे पहली बात है, ये सबसे पहली बात जो स्कूल का प्रशासन है, सबसे बड़ी गलती इनकी है, क्योंकि ये बच्चों को अपने घर से प्लेट लाने की, चाहे माँ बाप के संस्कार कुछ भी हो, वो किसी भी जाति से आते हो, चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी, लेकिन स्कूल प्रशासन को ये चाहिए कि जब स्कूल में बच्चा आ गया उसको शिक्षा देते हैं तो सब बच्चे बराबर। तो ढील तो उस प्रशासन की सबसे बड़ी है। आप इसीलिए क्या कहते हैं, सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे स्कूलों पर, क्योंकि स्कूल ही तो ये सिखा रहे हैं, परिवार नहीं, स्कूल वाले, घर वाले नहीं सिखा रहे हैं, घर वाले तो जो सिखा रहे हैं, लेकिन स्कूल में जब बच्चा आ जाता है उसके सबके लिए, प्रशासन के लिए वो बच्चे बराबर हो जाते हैं। स्कूल में बच्चे अलग खा रहे हैं तो टीचर्स देख रहे हैं, प्रिंसिपल देख रहा है, तो उन पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की चीज़ों को देख के और ये क्या फैला रहे हैं देश में। हम एक तरफ बात करते हैं कि इन चीज़ों से हम बाहर निकले, हम जात पात की दीवारों से अलग हटना चाहते हैं, और स्कूलों में इस तरह का जो व्यवहार बच्चों के साथ हो रहा है, तो हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे क्या सीखेंगे? ये तो आज उसी एंगल पे जो कुछ सालों पहले, 20 साल पहले जो हुआ करता था वो आज यहाँ पर हो रहा, फिर हम कैसे कह सकते हैं देश में कि हम बराबर का दर्जा दे रहे हैं, हम बराबर, हम जात पात को मान। जी रावत, ये सब तो इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात पक्की है कि मैं नहीं, आपको जितनी हैरानी और मीडिया से कई ज्यादा हैरानी हमें हो रही है ऋतु रावत को। जी ऋतु रावत, सवाल मेरा ये है कि ये जो पूरा मिड डे मील की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जैसे योगिता पहले भी बता रही थी, बात मिड डे मील में सिर्फ
जाति की नहीं है, क्वालिटी की भी इश्यूज रही है मिड डे मील में। ये मिड डे मील जब बच्चों को दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, क्या उस कोई इंस्पेक्ट करने जाता है? कभी कभार कोई सरप्राइज इंस्पेक्शन, कोई राउंड लगा दिया, देख लिया कि क्या हो रहा है? क्योंकि आपको मीडिया का इंतजार करना नहीं चाहिए इन बातों को सामने लाने के लिए, इन बातों को उजागर करने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी एक बात कही है कि कोई इंस्पेक्टर जाता है, लोग जाते हैं लेकिन पहले बता के जाते हैं कि आज हम आपके स्कूल में इंफेक्शन करने आ रहे हैं। तो क्या होता है कि वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल, अगर आप अचानक जाएं तो आप देखेंगे कि स्कूल की क्या हालत है। इन चीजों पे एक आपको एक गठन करना चाहिए, कुछ लोगों की टीम बैठानी चाहिए जो कभी कभी जाएं और अचानक जाएं और उस स्कूल की व्यवस्था की छानबीन करें और देखें। तो हमें लगता है कि हम बहुत सारे स्कूलों को ठीक कर पाएंगे। ऑलरेडी गठन है इन सब, तो फिर ये तो आप कितना भी सरकार गठन हो, नहीं सरकार कितनी भी अच्छी चीजें आपको अवेलेबल कर दे, कितना अच्छा मिड डे मील दे। ऋतुराव आप ही को सवाल है, लगातार एक के बाद एक अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए और आपका प्रशासन क्या कर रहा है ये इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले रोटी के साथ नमक खिलाया है बच्चों को, अब ये नौबत आती है कि बच्चे अलग अलग खाना खाते हैं। मैंने देखा था उसे सोशल। हाँ तो ये क्या हो रहा है आपके आपके राज्य में, क्या हो रहा है? क्या राज्य का जो प्रशासन है, राज्य का जो नेतृत्व है वो ध्यान नहीं दे रहा है बच्चों के भविष्य के ऊपर? देखिए सरकार बिल्कुल ध्यान देती है लेकिन जो व्यवस्था में लोग होते हैं ना वो इस तरह का चीजों को फैला के रखते हैं, तो हमें कम से कम उन पे कड़ी कार्रवाई। ऋतु रावत, ऋतु रावत पे बहुत जल्दी और बहुत एक्शन लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी योगिता, योगिता बोलिए। सरकार करेगी, नेचुरल बात है, और मैं अपने सरकार से एक सेकंड योगिता योगिता को बोलने दीजिए, आप बताएंगे जरा। योगिता वो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, योगिता को बोलने दीजिए। रितु जी एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो प्रशासन, तो राज्य सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। आप उसी में बार बार बोल रही एक्शन होना चाहिए, अरे लीडरशिप की प्रॉब्लम है यहाँ पर, आपकी सरकार में प्रॉब्लम है, तभी तो ये हो रहा है। अगर सरकार कड़ी हो ऐसा होगा ही नहीं ना। रितु रावत, रितु रावत योगिता भैया का सवाल को लेना एक्शन वहाँ के लोग, नहीं रितु रावत योगिता जी का सवाल का मतलब दरअसल ये है कि एक्शन आपको लेना है, नंबर एक। और एक सेकंड ऋतु रावत एक सेकंड ऋतु जी पूरा सवाल तो सुन लीजिए। एक तो ये है कि एक्शन आपके सरकार को ही लेनी है, दूसरा ये है कि आप इंतजार क्यों करती है? साफ बात है कि आपकी पूरी सिस्टम यहाँ पर फंसी हुई है, आपके सिस्टम में खोट है, आपको पूरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। आप हर चीज के लिए ये नहीं कह सकती है कि कार्रवाई होगी। सरकार क्या सिर्फ कार्रवाई करने के लिए बैठी है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बैठी है? ऋतु रावत सरकार, नेचुरल बात है सरकार कार्रवाई कर, जब ऐसा चीज कोई भी सामने आता है तो नेचुरल बात है सरकार उस पे कार्रवाई करती है। ऋतु रावत लेकिन ये पक्की बात है कि जो बीच के ये लोग होते हैं, जिस तरह आज बीच के लोगों की आप बात कर रही है तो यही सवाल करेंगे आपको। ऋतु रावत जी आपको इसके पहले एनएचआरसी की नोटिस मिली है आपके चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल को नहीं पता कि बच्चे यूपी के अलग अलग खाना, यूपी के चीफ सेक्रेटरी को एनएचआरसी की नोटिस मिली हुई है, क्या कार्रवाई हुई है आप बताइए? जब नमक खिलाया गया बच्चों को मिड डे मील के अंदर, तो क्या उनके उस पूरे प्रशासन को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने काम किया है? नहीं, उस पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है कि उस पे कार्रवाई नहीं हुई। उन जो दोषी है उनको बिल्कुल सजा मिली है, ऐसा नहीं है कि उनको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इस तरह का भ्रम लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस तरह का नमक और रोटी दे रहे हैं जबकि प्रशासन सरकार उन्हें मिड डे मील के नाम पे अच्छा खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है और वहां तक वो पहुंच नहीं रहा और लोग उसे खा रहे, तो उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी? सरकार, योगी सरकार वो नहीं है, योगी जी वो नहीं है जो उस पे कार्रवाई नहीं करते। नेचुरल बात है उन पे सब पे कार्रवाई होगी, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा योगी सरकार में, और ना बख्शा गया। रावत आप कह रही है कि बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, एक ऐसा हमें ये बताइए जहां पर कार्रवाई हुई है। जैसे मंदार आपसे पूछ रहे थे, जो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एनएचआरसी की नोटिस गई है उन पर क्या कार्रवाई हुई? आपने कहा सक्सेस अब कार्रवाई हुई, क्या हुई है बताइए। ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि योगी सरकार में ऐसा नहीं है कि कोई भी मामला सामने आए और उस पर कार्रवाई ना हो, जरूर उस पर कार्रवाई होती है और उन लोगों को सस्पेंड भी कर देते हैं, क्योंकि जब प्रशासन, जब सरकार उन्हें अच्छा खाना दे रही है, बच्चों को चीजें दे रही है और वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो जो लोग हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी?
नेचुरल बात है। और अगर मीडिया का बहुत बड़ा एक माध्यम है और मीडिया जो चीजें दिखाती है, कई बार होता है कि इतना बड़ा प्रशासन है, इतनी सरकार, मतलब सरकार एक एक जगह को, इतने स्कूल्स हैं, इन चीजों को नहीं देख पाती है, तो मीडिया उसके लिए अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर मीडिया ना हो तो शायद हम ये सब चीजें देख ही ना पाए कि सरकार में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें ऋतु रावत जी, अगर आप सरकार चला रही है तो सरकार में जो सरकार की जो स्कूल है उसके लिए जिम्मेदार आप ही की सरकार है। स्कूल के अंदर क्या हो रहा है ये बताना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम मीडिया नहीं करेगा, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मीडिया आपका काम करेगी और फिर आप कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार कार्रवाई करने के लिए नहीं बैठी है, आपकी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन करने बैठी है। सरकार बिल्कुल, देखो सरकार पूरा काम करती है अपना, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच के लोग जो होते हैं, जो इस तरह के, आप देखिए एक ही स्कूल है आप बता रहे हैं और यहाँ बच्चे अलग अलग प्लेट में, घर से लाके प्लेट में खाना खा रहे हैं, अलग अलग जगह पे बैठ रहे हैं, तो ये नेचुरल सी बात है। लोगों को इस तरह का जब होता है तो लोगों से ही तो पता चलता है या नहीं, मीडिया से पता चलता है, लोगों से पता चलता है, तो आपको आपकी सरकार को, आपको आपके नहीं तो सारी चीजें दब के रह जाएंगी। आपकी प्रशासन को, आपकी जिला प्रशासन को क्यों नहीं पता चलता इन सब बातों पे? आप बिल्कुल इस पे, देखिए प्रशासन को इन चीजों पे बिल्कुल बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए और हमें कम से कम ऐसे लोगों की एक वो टीम बनानी चाहिए जो ऐसे लोगों को, मतलब स्कूलों का सबका निरीक्षण कर सके। जी वक्त की कमी है, बता के जाएं कि आज हम स्कूल में, जी वक्त की कमी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज साफ है, सरकार जानती है, यूपी सरकार सब जानती है कि क्या करना है, ड्यू प्रोसेस क्या है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या एक्शन लेना है। सवाल ये है कि ये एक्शन कब लिया जाएगा और ये जरूरत क्यों पड़ रही कि मीडिया हर चीज आपको बताए उसके बाद आप कार्रवाई करें। सरकार का काम क्या सिर्फ कार्रवाई करना है? मंदर यहाँ और मिड डे मील को लेकर सरकार को बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारा भविष्य है। और मिड डे मील के नाम पर इसी राज्य में अगर रोटी के साथ उन्हें नमक दिया गया हो और मिड डे मील के नाम पर अगर उन्हें अलग अलग बिठाया जाता है, अलग अलग जातिवाद की भी पढ़ाई और सीख मिलती है वहाँ पे, तो ये बहुत गलत है। जी बने रहिए मेरा नाव के साथ, और भी खबरें हैं।